हेलो, मेरा नाम मोहन सिंह है और मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हूँ SIIT कॉलेज के। आज मैं फिटिंग शॉप के अंदर जो सबसे ज्यादा काम में आने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं उनमें से एक वर्नियर हाइट गेज, सरफेस प्लेट और वी ब्लॉक, इनके ऊपर चर्चा कर रहा हूँ। सरफेस प्लेट, इसके ऊपर इसकी फिनिश और लेवल इसकी एक्यूरेसी इतनी अधिक होती है कि हम 0.05 का भी जो है वेरिएशन उसमें एक्सेप्ट नहीं करते। वर्नियर हाइट गेज है, ये वाला वर्नियर लगा हुआ है, इससे हाइट मेजर करते हैं, तो इसका नाम वर्नियर हाइट गेज है। और ये जब इसको टच करता है इसके सरफेस को, तब यहाँ पर रीडिंग इसकी 0.0 होती है। और हम यहाँ से लेकर मान लो इसी वी ब्लॉक की मेरे को हाइट चेक करने की है, क्या हाइट है, तो यहाँ पर इसको टच किया और अब जो इसकी रीडिंग आ रही होगी वो इसकी जो है मुझे इसकी जो है हाइट दिखाता है। ये वर्नियर हाइट गेज, इस वर्नियर हाइट गेज के अंदर वर्नियर लगा हुआ है, मेन स्केल है, वर्नियर है, और ये यहाँ पर इसको टच करने के लिए हार्डन इसके ऊपर एक टिप लगी हुई है ताकि ये जो है घिसे नहीं। और इससे हम अब पर जो कोई हम जॉब रखते हैं मेजरमेंट के लिए वो प्रॉपरली राइट एंगल होना चाहिए, तो उसकी इसको राइट एंगल रखने के लिए मैं इस वी ब्लॉक की जो है मदद लेता हूँ। यहाँ पर ये मेरे फ्लैट जॉब के लिए है, और सर्कुलर अगर कोई जॉब है कुछ है तो जैसे ये है तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे रख के जो है रीडिंग इसकी ले लेता हूँ। अब एक और चीज, ये वर्नियर हाइट गेज जो है, ये जो वी ब्लॉक है, ये वी ब्लॉक ऑर्डिनरी नेचर का है, इसको मैं कहीं पर भी मूव कर देता हूँ। तो हैवी जॉब होता है तो ये स्लिप कर सकता हैवी जॉब के कारण, तब ये मैग्नेटिक वी ब्लॉक आता है, यहाँ पर नोब होती है जिसमें कि मैं इसको फिक्स कर देता हूँ, तब ये बिल्कुल भी हिलता डुलता नहीं है। अब एक और चीज कि मैं अभी तो इस रीडिंग ले रहा हूँ, मगर कभी कभी मुझे बहुत एक्यूरेट अगर मुझे कोई रीडिंग लेने की है तो इस टिप को निकालकर हम यहाँ पर ये डायल गेज का यूज करते हैं। इस डायल गेज को अटैचमेंट लगाकर हम यहाँ पर फिक्स कर देते हैं, और ये देखिए आप कि जैसे हम इसको यूज करते हैं और ये इसकी रीडिंग बदलना शुरू हो जाती है, ये रीडिंग ऐसी रीडिंग बदलना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वर्नियर हाइट गेज, सरफेस प्लेट और वी ब्लॉक, इन तीनों से मिलाकर हम जो है किसी भी चीज की जो है हम हाइट ले लेते हैं। और एक और चीज, अगर मुझे मार्किंग करने की है तो देखिए कोई रीडिंग ली मैंने यहाँ पर फिक्स करी, और इस स्क्राबर की मदद से यहाँ पर मैं जो है ये देखिए आप, ये इसमें मार्क आ गया, एक लाइन आ गई। और दूसरा जो की वे अगर बनाने का है तो फिर से मैंने लिया और इसके ऊपर ऐसे रबिंग किया, होल करने का है, ड्रिल करने का है, तो मुझे सेंटर पॉइंट बनाने के लिए यहाँ पर ये अब मैं पंच लगाकर यहाँ पर जो है ड्रिलिंग कर सकता हूँ। तो इस वर्नियर हाइट गेज से न सिर्फ मैं रीडिंग ले सकता हूँ, उसके साथ साथ मैं मार्किंग भी कर सकता हूँ, और स्लिप गेज बॉक्स से मैं स्लिप यूज करके और साइन बार यूज करके भी मैं एंगल चेक कर सकता हूँ, इसके साथ साथ इसमें ये भी होता है। तो इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को जो है एंड करता हूँ, अगले कड़ी में हम कुछ और चीज लेकर आएंगे और समझाएंगे। ओके, थैंक यू सर।